السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المقيم الكريم نبي الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين के साथ एक बताओ पूरी जगह मसले रासे की देखो ना मुहम्मद सलातुन सुना चाहिए हम जब भी आवाज़ में आवाज़ तो तब कभी ना भी हार चाहे ना हार चाहे तो बतो तो कहीं वो ना भी आने जब भी सीया तो तब तो ना भी हार इंद्र का लता जा तो तो बल दिन में असल गायत ही जमी की खयात ही रहियात ही बाद में मात इन ने कहा लगभग शहीद कदीर उसूल बरकत के लिए एक बताओ पड़ी बाबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम मिला मुसल्लम सलाम काम मा अला सय्यिदना मुहम्मद ने तुम हल बिल कद तुम करीज लोग को तो कभी हवाई जो तुम आलो वो गाय हुस्न खरात में मुसल्लम सलाम بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحات ونفسٍ بها بكل مع علم النبي يا الله يا الله يا الله कलाम इमाम इमाम कलाम का शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली अलैह रहमतो व महमा पीरान पीर बड़े पीर गौसुल आजम व सगीर रजी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सलाम ही हूं अर्ज करते हैं कि जो तेरी याद से जाहिल है या गौस जो तेरी याद से जाहिल है या गौस वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है या गौस उलूहियत के नबूवत के सिवा तू तमाम अफजाद का काबिल है या गौस और उलूहियत ही अहमद ने न पाई नबूवत ही से तू आतिल है या गौस सहाबियत हुई फिर ताबियत बस आगे कादरी मंजिल है या गौस उस फरमाते कि सितम कोरी वहाबी राफजी की सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस और रजा के सामने की ताब किसने फलकवार उस पर तेरा जिद है या गौस आज की ये जो शब है हुजूर सिद्दीक सरकार बड़े पीर गौसुल आजम सगीर रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निस्बत से जलसा मुनक़िद किया गया ये वो ज़ाते बरकात है कि जिनकी फजीलत जिनकी करामात जिनकी तालीमात बड़ी कसरत के साथ पूरी दुनिया में फैली हुई है अभी अभी आपने बेहतरीन खिताब नायाब उसी पर समाप्त किया इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगु को आपके सामने रखूं आज की गुफ्तगु में मैं आपके सामने ये चीज रखूंगा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गौस आजम सगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को कैसा फैज मिला इनकी जिंदगियों में किस कदर मुशाबिहत है सरकार को से पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं बस इनके एक फरमान के ऊपर ही मैं अपनी गुफ्तगु करता हूं फरमाते हैं वो कुल्लु वलीहिं कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिन कमाए फरमाते हैं कि हर वली कुल्लु वली हर वली किसी ना किसी नबी के जेरे कदम होता है और मैं उस नबी के जेरे कदम हूं जो खुद बदरे काम है मैं उस नबी के जेरे कदम हूं अब हर वक्त किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है तो उनकी जिंदगी से उन्हें हिस्सा भी मिलता
सरकार को से पाक नबी अल्लाह तआला अल रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कदम। तो अब देखना ये है कि सरकार को से पाक की जिंदगी रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से किस कदर मुशाबा। मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने आ रही हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात वो है कि जो तमाम रसूलों के तमाम नबियों के सरदार था, और गौसुल आजम वो है कि जो तमाम वलियों के सरदार था। हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम नबियों में सबसे बुलंद व बाला, और रसूल पाक अली सलाम के सदके में गौसे आजम का मकाम सारे वलियों में सबसे बरतर व आला। हुजूर अली सलातो सलाम की तशरीफ आवरी से कम अंबियाए सादिकीन आपकी आमद के गीत गाते रहते। हर नबी अपने दौर में अपने जमाने में अपनी उम्मतों को ये पैगाम देते रहे कि एक नबी ने आना है, आखिरी रसूल ने आना है, उनकी शान ये होगी, उनका मकाम ये होगा, उनकी सूरत ऐसी होगी, उनकी सीरत ऐसी होगी, उनकी उम्मत ऐसी होगी कि तमाम हालात पिछले अंबिया अपनी तकारीर में और अपनी किताबों में उम्मत को बयान किया करते थे। सरकार को से पाक को भी भरपूर सदका मिला। आपकी वलादत से कबल उन्हें जमीन के सैकड़ों औलिया ने आपकी आमद आमद की खुशखबरियां दी, आपके आने की बिशारतें सुनाई कि एक ऐसा अल्लाह का वली पैदा होगा, एक ऐसा आरिफों का ताजदार पैदा होगा जिसकी शान वलियों में बुलंद होगी, जिसका मकाम यह होगा, जिसकी सूरत ऐसी होगी, जिसकी सीरत ऐसी होगी, उसके मुरीदों पर अल्लाह का ऐसा फजल व एहसान होगा। भरपूर सदका मिला। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हुजूर के आने के गुनगुने आप के आने के गीत गाए गए, गौसे पाक की आमद से पहले आपके आने की बिशारतें सुनाई गई। सरकार अलैहिस्सलातु सलाम जब इस हाथ दानी गीती पर कदम रंजा फरमा होते हैं, आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, रावियों का बयान है उस वक्त जितने बच्चे पैदा हुए सब लड़के पैदा, और रावी लिखते हैं कि जब सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला की वलादत हुई उस रात भी जितने बच्चे पैदा हुए सब लड़के पैदा। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं कि बचपन ही से हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी पाकीज़ा जिंदगी थी, आप इसको तो बारहा बारहा से सुन चुके। मैं इशारों के साथ चंद बातें बताकर बस गुजरना चाहूंगा। आका अलैहिस्सलातु सलाम जब इस खानदाने गीती पर कदम रंजा फरमा होते हैं पूरी दुनिया में उजाला फैल जाता है, खाने काबा आपके सजदे के लिए झुक जाता है, उसमें मौजूद 307 बुत गिनकर चकनाचूर होते हैं, हुजूर की जबान पर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के कलमे होते हैं, हुजूर जैसी दुनिया में आते हैं। रावी लिखते हैं कि सरकार इस्लाम इस शान के साथ दुनिया में आए कि हुजूर के दोनों हाथ जमीन पर लगे हुए थे, सरे मुबारक जमीन पर टिका हुआ था, सरकार बोले सजदे में थे और जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात जारी थे। इधर सरकार गौसे पाक की वलादत होती है, रावी लिखते हैं कि जिस रात गौसे पाक की वलादत हुई है सरकार गौसे पाक इस खानदानी दीदी पर कदम रंजा फरमा हुए है। रमजान की पहली रात थी, चांद नजर नहीं आया था, लोग शको शुबात में थे, सरकार गौसे पाक ने अपनी वालिदा का दूध ना पीकर तमाम लोगों को बता दिया कि आज पहली रमजान। पूरे सादात घर पूरे इलाके में मशहूर हो गया, सादात के घराने में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो सुबह सादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी वालिदा का दूध नहीं पीता। आका अली सलाम फरमाते हैं कि जब हुजूर अली सलाम से बच्चे कहा करते बचपन में कि आओ मोहम्मद खेलते हैं, तो मेरे आका अलैहि सलाम बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाते थे कि हम खेलने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए। और सरकार गौसे पाक की जिंदगी में जब इस रंग को देखो तो गौसे पाक खुद फरमाते भाई चुकुल असरार शरीफ में
मंजर है आपका ये कॉल मौजूद है कि सरकार उसे पाप से पूछा गया कि आप बचपन में बच्चों के साथ खेला करते तो फरमाते हैं कि मैं जब खेलने का इरादा करता जब भी मैं कभी बच्चों के साथ खेलने की नियत करता तो मुझे गैब से आवाज आया करती थी कि ए अब्दुल कादिर ए बरकत वाले मेरी तरफ चला। मैं उस आवाज को सुन करके सहम जाता और अपनी वालिदा के पास चला जाता और अपनी वालिदा से चिमट जाया करता था। यहाँ पर अकीदे की बात समझ ले कि नबी जो होता है वो मासूम होता है और वली महफूज हुआ करता है। नबी मासूम थे इसलिए उन्होंने बचपन ही में ये फरमा दिया हम खेलने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए। वली महफूज होता है, अल्लाह अपने वली की कैसे हिफाजत करता है, अल्लाह अपने प्यारों की कैसे मदद करता है, उन्हें गुनाहों से और दुनिया के अल्लाह को लड़ीब से कैसे महफूज रखता है। उसे पाप मैं जब भी खेलने का इरादा करता मुझे नेब से आवाज आती और फिर मैं खेलने के लिए नहीं जाया जाता। और उसे पास से जब पूछा गया था कि आपको अपनी वलायत का इल्म कब हुआ तो फरमाते हैं कि जब मैं बचपन में मदरसे में मकतब में पढ़ने जाता तो एक नेब से आवाज आती जिसे मैं और मेरे साथ मेरे मकतब के साथी और मेरे उस्ताद सुना करते थे और वो आवाज होती कि फुसुहली वली इल्लाह अल्लाह के वली के लिए जरिए कुशादा। अभी उम्र क्या है 3-4 साल की उम्र है और अभी से ये आवाज आ रही है। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा अकीदे की बात कि जब गौसे पाक का ये आलम कि मादर जात वली है माँ के शिकम से पैदा होने से पहले ही आप तकदीर इलाही में वली लिखे जा चुके हैं, आप वली बनकर पैदा हो रहे हैं तो फिर नबी का आलम क्या होगा जो ये कहते हैं कि माँ का हुजूर को नबूवत 40 साल बाद मिली और वो यहाँ से सबक ले कि जब उनके बेटे का यह आलम है उनके शहजादे का यह आलम है गौसे आजम का यह आलम है कि वो पैदाइशी वली है और बचपन ही से इनकी वलायत के डंके बज रहे हैं तो हुजूर का आलम क्या होगा। हुजूर तो पैदाइशी नबी है बल्कि ये वो नबी है जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो सरकार अली सलाम की जिंदगी से गौसे पाक को भरपूर हिस्सा मिला। आका अली सलातो सलाम की अगर हम तारीख को देखें तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत व सदाकत का शोहर इस कदर बुलंद हुआ था कि पूरे मक्के के लोग आपको अमीनु साजी कह करके पुकारा करते थे। मेरे आका अली सलाम ने उम्मत के सामने एक पैगाम रखना था, एक ऐसी जिंदगी एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी रखनी थी कि आने वाली नस्लें उसे देखकर इबरत हासिल करें सबक हासिल करें। बचपन ही से लेकर जवानी तक मेरे आका की बेदाग जिंदगी ऐसी थी कि जिसमें झूठ का दूर तक नामो निशान न था। अमानतें लोगों की हर वक्त अदा फरमा दिया करते थे। तमाम मक्के के लोग आपको अमीनो साजी कह करके पुकारा करते थे। सरकार उसे पाक की अगर जिंदगी का मुताला करे तो आप भी अपने नाना जान की इसी सीरत पर अमल करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो अभी गालिबन 18 साल की उम्र है और जब आप बगदाद की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया निजामिया में दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए वहां जा रहे हैं तो रास्ते ही में ये वाकया पेश आया जिसे आप बारहा सुन चुके हैं और अभी अभी हजरत ने भी बयान किया कि डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया। मैं इख्तिसार के साथ हजरत और तमाम लोगों का माल लूट लिया। सरकार गौसे पाक को भी पकड़ा और कहा कि मेरे लड़के क्या तुम्हारे पास भी कोई माल है? आपने कहा हाँ मेरे पास भी माल है। उनकी तलाशी की तो कुछ नजर नहीं आया। काम से मजाक करते हो? काम में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी अशरफिया मौजूद है, वो मेरी वालिदा ने मेरी आस्तीन में सिल करके रखी हुई है। जब जब आपकी आस्तीन को उठा गया तो उसमें से अशरफिया निकली जिसे देखकर डाकू हैरान हो गए, कहने लगे कि लोग तो हमारा अपना लोग अपना माल हमसे छुपाते हैं और तुम अपना माल हमें बता रहे हो।
तुम इसे छुपा सकते थे, लेकिन तुमने हमें क्यों बता दिया? तो सरकार ने उसे पाप में फरमाया था कि मैंने अपनी माँ से अहद किया है, अपनी माँ से मैंने वादा किया है कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज जब उससे पूछा गया कि मेरे पास माल है, तो मुझे अपनी माँ का वादा याद आ गया। मैंने बता दिया कि माल मेरी आसली में रखा हुआ था। उन डाकुओं पर इस जुमलों का इतना असर हुआ, कहने लगे कि ऐ शहजादे, तुम अपनी वालिदा के वादे के इतने पाबंद हो, तो क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के अहद पर पाबंद नहीं हो सकते है? उसी वक्त आपके हाथ पर तौबा करकर सब काई हो जाती है। से पाप फरमाते हैं, ये पहला हीरो था जिसने मेरे हाथ पर तौबा की, ताई हुए और रावियों का बयान है कि आगे चलकर ये सब अपने वक्त के वली कामिल। ये है गौसे पाक की अमानत और सदाकत का मामला, कि आपकी अमानत, आपकी सदाकत ने बचपन ही से लोगों को तो राह दिखाई, लोगों ने तौबा की और राह मार सफरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। कई कई दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम गार में सजदे में सर रख करके रोया करते थे, कई दिन खाए पिए बगैर गुजार किया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जब घरों में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, तो सरकार गौसे पाक को भी हुजूर की जिंदगी से भरपूर हिस्सा मिला। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन जंगलों में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। यहाँ हुजूर अली सलाम गारे हिरा में जाकर के रब की इबादत करते थे, यहाँ गौसे पाक जंगलों में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। खुद फरमाते हैं वही जगह असरार शरीफ में है कि मैं 40 साल तक इराक के जंगलों में भटकता रहा, न कोई मुझे पहचानता था, न मैं किसी को पहचानता था। कभी दरख्तों के गिरे पड़े पत्ते खा लिया करता, कभी वो भी मुझे नसीब ना हुआ करता, लेकिन अल्लाह की इबादत किया करता था। मैं नमाज पढ़ा करता था, यहाँ तक के 15 साल तक मैं ईशा के वुज़ू से फज्र की नमाज अदा करता रहा। हुजूर को कुरान से ऐसी मोहब्बत कि मेरे आका अलैहिस्सलाम कसरत से कुरान की तिलावत किया करते थे। यहाँ तक कि जब हुजूर के वसाल का वक्त आया, तो सरकार ने आखिरी रमजान में जिब्रील अमीन से कहा कि जिब्रील, हर साल तुम मुझे एक मरतबा कुरान सुनाते हो, आज दो मरतबा खत्म कुरान हो। हुजूर की कुरान से मोहब्बत, या गौसे पाक की कुरान से ये मोहब्बत, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला एक पैर पर खड़े होकर पूरा कुरान खत्म फरमाया करते थे। और सिर्फ कुरान को पढ़ा ही नहीं करते थे, मेरे आका अलैहि सलाम ने भी और गौसे पाक ने भी कुरान को पढ़ा भी है और कुरान पर अमल भी किया। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब पूछा गया कि ऐ आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका, ये फरमाए कि हुजूर की जिंदगी क्या है, हुजूर के अखलाक क्या है, तो फरमाती है जो कुरान है वो हुजूर के अखलाक है, जो हुजूर के अखलाक है वही कुरान। तो हुजूर की पूरी जिंदगी कुरान, गौसे पाक की पूरी जिंदगी भी कुरान। बताने का मकसद ये जिंदगियां कितनी मुशाबा है, लेकिन हमारे लिए सबक है कि अपने नबी की जिंदगी को देखें, अपने पीर गौसुल आजम दस्तगीर की जिंदगी को देखें, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत की, नमाजों की पाबंदी की और कुरान की कसरत से तिलावत की। आज हम इसी से दूर होते हुए नजर आते हैं। आज हम सरकार इस्लाम के नाम से लंगर तो करते हैं, गौसे पाक की न्याज तो करते हैं, लेकिन उनकी नमाजों से हम दूर हो बैठे हैं। हमने जिंदगी का एक पहलू को देखा है, लेकिन दूसरे पहलू से अपनी आंखें बंद कर ली है। यकीनन न्याज कीजिए, ये बहुत बरकत वाला अमल है, ये बरकत वाला खाना है, बल्कि नियत ये रखे कि जब गौसे पाक की न्याज खाए, तो अल्लाह ताला उससे जो ताकत और कुव्वत हमारे बदन में अता करे, उससे अल्लाह की नमाज अता करे। ये हो न्याज और नमाज का ताल्लुक। बहरहाल मैं बताने ही चाह रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की होती है,
तो पहली वही आती है और हुक्म होता है महबूब अब आप अपनी नबूवत का खुलकर ऐलान कीजिए। हुजूर तो पैदाइश में थी लेकिन अब नबूवत के ऐलान का हुक्म दिया जा रहा है। 40 साल की उम्र में कहा जा रहा है कि महबूब अब कह दीजिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आका इस्लाम ने तमाम मक्के के लोगों को जमा किया और फारान की चोटी पर खड़े होकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इधर वो सिपाह की जिंदगी को देखे जिनकी सारी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजर रही है। अब जब वक्त आया उमर शरीफ 40 साल की हुई, उलमा फरमाते हैं जब सरकार उसे पाक की उम्र 40 साल की हुई तो रब की तरफ से इल्हाम होता है, रब की तरफ से उसे पाक को कष्ट किया जाता है और हुक्म होता है कि अब आप अपनी हलायत का खुल करके ऐलान करें। उसे पाक मस्जिद में है, जब सरकार उसे पाक बगदाद की जामे मस्जिद में जलवा फरमा है, मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज है, तमाम लोगों को जमा किया गया, अवाम व खवास जमा हो गए, वक्त के बड़े बड़े औलिया उलमा सब गौसे पाक के कदमों में जमा हो गए, गौसे पाक मेंबर पर जलवा फरोश है और बड़ा फसीह व बलीग सरकार गौसे पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया और फिर फरमाते हैं, कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वली इल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। वाह हुजूर को हुक्म होता है कि अपनी नबूवत का ऐलान करे, या गौसे पाक को इल्हाम होता है अपनी वलायत का इजहार करे। आपने भी फरमाया कदम हाजी अला रकबती कुल्ली वली इल्लाह, जितने वली थे सबने अपनी गर्दनें झुका दी और हजरत अली हिदी रजी अल्लाह तआला ने गौसे पाक का कदम उठाकर अपनी गर्दन पर भी रख लिया और उस सामने सबूत भी फराहम। यह है गौसे पाक रजी अल्लाह तआला जिनको सरकार की जिंदगी से भरपूर मुशाबियत मिली, भरपूर आपको हिस्सा मिला है, जो आपने कहा कि मैं उस नबी के जेरे कदम हूँ जो खुद बदरे कामिल है। उनकी जिंदगी से गौसे पाक की जिंदगी में कैसा नूर है, जैसी जिंदगी रसूल आजम की गुजर रही है वैसी जिंदगी गौसे आजम की भी गुजर रही है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या, हुजूर पर अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया, सिर्फ एक ही बात सरकार सलाम फरमाते कि शबे मेराज जब मैं अपने रब के पास पहुंचा मकाम दना में पहुंचा तो मेरे रब ने पूछा मोहम्मद कि फरिश्ते आपस में किस बात में बहस कर रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह हुआ अल्लाह तू बेहतर जानता है। फिर मैंने अपना सर ऊपर को उठाया तो मैंने देखा कि पानी की मिस्ल एक बूंद मेरी तरफ आ गई। मैंने अपना मुंह खोला और वो पानी की सी बूंद मेरे हलक में चली गई, बस 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 मुझ पर नूर रोशन कर दिए, मेरा सीना खोल दिया गया और मुझे बता दिया गया कि फरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं और उलूम के गुयूब के ऐसे दरवाजे खुल गए कि मुझ पर हर शय रोशन हो। अब कुरान कहता है वो अल्लाह का मालूम तक उनका आलम वो कान फजलुल्लाह अलैक अजमा, और महबूब हमने आपको वो सब कुछ अता फरमा दिया, वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते। हुजूर को अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त इल्म अता फरमाया कि सरकार फरमाते हैं कि मैं सारी कायनात को मिसले हथेली के देखता हूं। अब आइए उसे पाक की बात कि गौसे पाक को क्या मिला। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं दरसुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन वले तो साद मिन मौलन मबरानी, मैं इल्म दीन पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं कुतबियत के मनसब पर फारिस हो गया। लेकिन कैसे हुए, फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि बेटे अब्दुल कादिर तुम वाज नहीं कहते, तुम लोगों को वाज और नसीहत क्यों नहीं करते। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ और यहाँ के लोग अरबी, मैं कैसे कलाम करूँ, मेरी इतनी फसाहत और बलागत नहीं है। अब जब बात फसाहत और बलागत की आई तो एक बात और सुन ले कि हुजूर अली सलाम की फसाहत और बलागत का आलम क्या था। हुजूर किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए, हुजूर किसी मकतब किसी तालू में नहीं पढ़ी, बल्कि हुजूर का तो कोई उस्ताद भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त अपने रब से इल्म सीखा है।
आज लोग जबानदानी सीखने के लिए, अपनी जबान को बेहतर बनाने के लिए अच्छी से अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और पीएचडी हासिल करते हैं, उबूर हासिल करते हैं, लेकिन मेरे आका ने कहीं पर नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे रब ने उनको इल्म अता फरमाया। तारीख बताती है कि उस वक्त अरब में बड़े बड़े फसीह और बलीग लोग मौजूद थे, बड़े बड़े शायर खुतबा और बड़े बड़े फसीह और कलाम करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन जब मेरे आका कलाम फरमाते, जब मेरे आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते, तो तमाम लोग हुजूर के आगे बिल्कुल अदब के साथ खड़े हो जाते, अपने हाथों को बांध लेते, लोगों की ज़बानें बंद हो जाती, गोया इनके मुंह में ज़बान है ही नहीं। आला फरमाते हैं तेरे यार की है यूं ही कभी नचे, उस अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान। जब हुजूर कलाम करते तो फिर किसी की मजाल नहीं होती कि वो पलट करके जवाब देते, तो हुजूर की फसाहत और बलागत का क्या आलम था। अब हुजूर कहते हैं कि बेटे अब्दुल कादिर, तुम फसूल कलाम क्यों नहीं करते, तुम लोगों को वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते। सरकार को सिपाह ने कहा कि रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं और यहां के लोग अरबी हैं। मेरे आका ने फरमाया कि बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। सरकार को सिपाह ने जब अपना मुंह खोला तो हुजूर अली सलाम ने अपना लुआबे गहन, अपना थूके मुबारक गौसे पाक के मुंह में सात मरतबा डाला। जो लोग नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं ना, वो सिर्फ अपने बेटे के मुंह में थूक डाल करके दिखा देता। जो कहते हैं ना नबी हमारी तरह के बशर आम इंसान है, वो अपने बेटे के मुंह में थूक करके दिखा देता, अपनी बीवी के मुंह में थूक करके दिखा देता, कोई गवारा नहीं करता। लेकिन सरकार अल्लाह के रसूल गौसे पाक ने अपना अकीदा बयान कर दिया, ये सरकार इस्लाम जिनके लुआब में वो तासीर है कि जो कुएं के खारे पानी को मीठा कर देता है, ये वो लुआब दहन है कि जब हजरत जाबिर की हांडी में पड़ जाए तो खाने को बढ़ा देता है, ये वो लुआब दहन है किसी बीमार के जख्म पर लगा दिया जाए तो सेहत याबी मिल जाया करती है, ये हजारों अमराज की शिफा है और इसमें बेशुमार बरकत सरकार मौला अली ने फरमाया कि अब्दुल कादिर अपना मुंह खोल, छह मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे पाक के मुंह में मौला अली रजी अल्लाह तआला। तो सरकार गौसे पाक ने पूछा कि बाबा जान, नाना जान ने तो मुझको सात मरतबा अता किया, आप छह ही मरतबा क्यों। तो मौला अली ने अकीदे का जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाते हैं कि मैं नाना जान की मिसल नहीं हूँ, मैं नबी की मिसल नहीं हूँ, वो हुजूर का मकाम है कि वो सात मरतबा अता करे, मैंने अदब के लिए छह मरतबा किया। अब गौसे पाक की फसाहत और बलागत का ये आलम कि जब गौसे पाक तकरीर करते, वाज और नसीहत फरमाते, तो आलम ये होता कि 60,000 70,000 90,000 का मजमा हुआ करता, और वो जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे बल्कि बगैर माइक के तकरीर होती थी। अब सोचिए कि 60,000 70,000 लोग मौजूद है और गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, तो रावी का बयान है कि जैसी आवाज में पहली सफ में बैठने वाला सुनता, वैसे ही अखीर सफ में बैठने वाला सुना चाहता। ये गौसे पाक का मामला। सरकार इस्लाम ने जब हज्जतुल विदा में आके हज के वक्त सहाबा को खुतबा दिया था, तारीख बताती है कि उस वक्त उसका मुंह बेच 1,24,000 सहाबा इकराम मौजूद थे। उस आखिरी हज में हुजूर के साथ 1,24,000 सहाबा मौजूद थे और हुजूर ने मिंबर पर खड़े होके जब खुतबा दिया तो जैसा पहली सब वाला सुनता वैसा ही अखीर सब वाले को भी सुनाई देता है, वही सबका गौसे पाक को मिला, लाखों का मजमा होता जैसा पहली
वही सब वाला शख्स सुनता, वही सपने बैठने वाला उसी आवाज के साथ आपकी तकरीर को सुना करता। असर वाज का असर ये होता कि जब तकरीर खत्म होती तो इतने ही जनाजे वहां से उठा करते थे, लोगों पर खौफ और खुशियत इलाही का ऐसा गलबा तारी होता, इतनों के जनाजे उठ जाते, इतने अपने गरेबान को चाक करके जंगलों में निकल जाते, इतने ही लोग अपने गुनाहों से तौबा कर कर एक साले मुत्तकीन बन जाते, और कितने ही वली वहां से फैजयाब होकर के बुलंद मरातिब पर फाइज होते, कितने ही उलमा अपने दामनों को भरकर इल्म से बहर अंदोज होते, और कितने ही कुफार मुशरिकीन यहूद और नसारा कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ करते थे। ये गौसे पाक की वाज और नसीहत की मजलिस हुआ करती, क्योंकि मेरे आका ने अब जो अपना दुआ अता फरमाया वो फैज मिला सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखिए और गौसे पाक की जिंदगी को, ये सब हमारे लिए इबरत है, नमूना है, सबक है, दर्स है। आका अलैहिस्सलाम कि इल्म पर पीछा पीछा हमले हुए हर दौर में होते हैं कि जो बुजुर्गों पर उंगलियां उठाते हैं, एतराज करते हैं उनके इल्म पर, उनकी शान पर, उनकी अजमत पर। हुजूर के साथ भी हुआ, गौसे पाक के साथ भी हुआ, तमाम बुजुर्गों के साथ हुआ, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ मुताबिकत आपको दिखाना चाहता हूँ कि गौसे पाक को अपने नाना जान की जिंदगी से क्या कुछ मिला है। आका अलैहि सल्लतु वसलाम की बारगाह में भी जब इल्म पर मसले उठाए गए, आपने सुना होगा कि अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया, कहने लगा कि आप कहते हैं कि आप नबी हैं, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। आपने बाद में बाकी की तफसील नहीं जाती, बस इशारा जाना। तो सरकार इस्लाम ने फरमा दिया कि मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, उससे बेहतर है तेरी मुट्ठी की चीज बता दे कि मैं क्या हूं। हुजूर ने उससे भी बढ़कर जवाब दिया। हुजूर के इल्म में गैब का इम्तिहान था। अबू जहल इसलिए भी जानता था कि नबी गैब की खबर देते हैं, तभी तो हुजूर का इम्तिहान लेने गया। और हुजूर ने जवाब दे करके अपना अकीदा बता दिया कि अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म अता फरमाया। फरमाते कि मैं सारी कायनात को मिसले हथेली के देखता हूँ, और गौसे पाक को भी हुजूर के दरबार से ऐसा सदका मिला कि फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन खरदलति अला हुक्मि मिसाली, कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ पर राई के दाने। तो आका अलैहि सलाम के इल्म गैब का इम्तिहान मेरे नबी ने जवाब दे दिया। अब आप उसे पास की बात, आपके जमाने में भी ऐसे लोग थे, इब्ने जूजी ने भी जो है तो हुजूर के इल्म का, हुजूर उसे पाक के इल्म का अंदाजा लगाना चाहा। सरकार की मस्जिद सही है, वाज और नसीहत शुरू है, और एक आगे की तफसीर उसने पूछी इब्ने जूजी, अल्लाह इब्ने जूजी उस वक्त तक उसे पाक से इतनी अकीदत ना रही थी। एक आयत की तफसीर पूछी, गौसे पाक ने तफसीर बयान की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक ही आयत की आपने 13 तफसीरें तक बयान की। इब्ने जूजी अपने साथ जिन उलमा को लेकर आए थे उनको देखकर कहते रहे कि हाँ बराबर बराबर, 13 तफसीरों तक गौसे पाक ने एक ही आयत की 13 तफसीरें बयान कर दी। इब्ने जूजी जान गए कि वाकई में इल्म के पहाड़ है, लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ। गौसे पाक ने अपनी तफसीर को जारी रखा और 7 तफसीरें एक ही आयत की बयान की। अब इब्ने जूजी को एहसास हुआ कि गौसे पाक किस मकाम और मनसब पर फाइज है, उठे और आपके कदमों में जाकर जाने लगे। एक मरतबा 100 उलमा ने गौसे पाक को आजमाना चाहा कि कैसा इल्म है गौसे पाक का, तो उन 100 उलमा ने 100 सवाल तैयार किया, बड़े मुश्किल सवाल, बड़े मुश्किल सवाल, और एक 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 सवाल, और सब बोले मजमे में अलग अलग जगह पर बैठे, और एक शख्स उठकर के पहले ये सवाल करें, फिर उसके बाद दूसरा ये सवाल करें, तीसरा, पूरी तरकीब उन्होंने दे रखी है, और इसी मकसद से वो गौसे पाक के मजलिस में आकर के बैठे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब
कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज हुए तो आपने अपनी निगाहों को नीचे किया, अपनी आंखें बंद की और मुराकबा फरमाया। और जब आपने अपनी आंखें खोली और जब वाज शुरू किया तो जो शख्स पहला सवाल करने वाला था उसी के सवाल से आपने तकरीर शुरू की, उसका सवाल और फिर उसका जवाब। फिर जो अगला सवाल करने वाला था वो खड़ा होता, उससे पहले वो से पाक उसका सवाल बयान फरमाते और उसका जवाब देते। फिर तरतीब, जो तरतीब उन्होंने रखी थी उसी तरतीब से उनके कहने से पहले वो से पाक उसका सवाल भी बयान करते और उसका जवाब भी बयान फरमाते। वो सौ के सौ उलमा हैरान हो गए। वो से पाक को जलाल आया, आपके सीने से एक नूर निकला और वो तमाम उलमा बेहोश हो गए, अपने गिरेबान को फाड़ कर गौसे पाक के कदमों में आकर के गिरे। इनका इल्म आपने सर्व फरमा लिया। जब उन्होंने तौबा की और माफी चाही तब गौसे पाक ने एक एक को अपने सीने से लगाकर उनका इल्म उनको वापस अता फरमाया। ये शान है गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तबारक व तआला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से बस मैं एक एक बात अर्ज करूं, क्या आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हबीबे यमनी आए। बड़ा तबीर वाकया है, मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ जितनी बात है उतनी बयान करूँ, बड़ा वाकया बड़ा तबीर है। सुनिए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हबीबे यमनी आए, इम्तिहान लेना था कि हुज़ूर नबी है या नहीं। कहा मैं तीन सवाल पूछूं, उनमें से जो पहला सवाल है आप खुद ही मेरा सवाल भी बताए और उसका जवाब भी आप ही बताए। मेरे आका ने मुस्कुराया और फरमाया कि ऐ हबीब, तेरा सवाल ये है कि तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से जबान से बूढ़ी है, हाथों से बूझी है, पैरों से लगड़ी है और गर्ज के हर तरह से मखरूज है, जिसे तू अपने घर में छोड़ करके आया और तू ये चाहता है कि मैं तेरी बेटी को सेहतयाब। अब हबीब यमनी हुजूर का चेहरा तक है। अब मेरे आका फरमाते हैं कि जा मेरे तेरी बेटी को सेहतयाब वही सफर माया, जा मैंने तेरी बेटी को सेहत याब कर दिया। अब यमनी ने दो सवाल अगले किए, उसी में एक आखिरी सवाल था कि अगर आप अल्लाह के नबी है तो चांद के दो टुकड़े कीजिए। उस रात उसने चांद के दो टुकड़े किए, उसी रात की बात। अब हबीब यमनी भी मान ले, अब जब लौट कर यमन को पहुंचे अपने घर में आए, जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो बेटी ने दरवाजा खोला, खोल कर देखा कि बेटी बिल्कुल सही व सालिम खड़ी थी। पूछा के बेटी ये तो कैसे हुआ, तू कब सही सालिम हो गई, तुझे कब शिफा मिली, तू कब सेहतयाब हुई। तो कहती है कि बाबा जान मैं एक रात जो है तो ऐसी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और चांदनी रात थी, चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, मैंने देखा कि चांद से भी ज्यादा रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि कुंद इज़्निल्लाह, कि तू अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। ऐ मेरे बाबा जान मैं उसी वक्त सेहत तंदुरुस्त हो गई, शिफा याब हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सुन, मैं मक्के में तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तू भी कलमा पढ़ ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या मेरे बाप, वो जिस रात चांद के दो टुकड़े हुए थे उसी रात की बात है। हबीब यमनी की आंखों में आंसू आ गए, आका अली सलातो सलाम का ये मोजज़ा है। अब आइए गौसे पाक की बारगाह में सरकार की जिंदगी से ऐसा भरपूर हिस्सा मिला है कि सरकार गौसे इमाम संतल्ला सरकार गौसे इमाम सतबार रजी अल्लाह तबारक व तआला मक्के के बहुत बड़े ताजिर ने गौसे पाक की दावत की, तमाम बड़े बड़े उलमा फुकहा सुलहा सब बुलाए गए, बड़ा ही दस्तरखान आलीशान लगाया गया। तो जमाना था कि लोग उलमा की दावतें भी शान से किया करते थे, लिहाजा गौसे पाक का इंतजार हो रहा, सरकार गौसे पाक तशरीफ ला, दस्तरखान बिछाया गया, खाना सामने रख दिया गया, किसी की मजाल नहीं है कि लुकमा उठाए जब तक गौसे पाक न तनाउल करो। सरकार गौसे पाक काफी देर तक बैठे रहे, मुराकबा किया, आंखें खोली और अपने खादिमों से फरमाया कि उस कोने में एक टोकरा रखा हुआ जिसका सिरा ऊपर से बंद है उसी तरह उठाकर मेरे पास ले आ।
लिहाजा खादिमों ने उस टोकरे को उठाया और उसे पाक की बारगाह में लाकर रख दिया। बड़ा भारी था। सरकार को सपाक ने फरमाया इसको खोलो। जैसे ही खोला तो उसके अंदर एक लड़का था जो उस ताजिर का लड़का था जो आंखों से अंधा था, पैरों से नंगा था, मुंजा था, गर्ज के उसकी भी हालत वही थी, बिल्कुल अपाहिज था, किसी काम का न था। सरकार को से पाक ने उसकी तरफ देखा, अपना दस्ते मुबारक रखा, फरमाया तुम भी इज़्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। उसी वक्त वो बच्चा सही और सालिम होकर खड़ा हो गया। तमाम मजलिस में शोर हुआ, गौसे पाक का हाथ चूमने तमाम लोग दौड़े। सरकार गौसे पाक बगैर कुछ तनाउन फरमाए वहां से चले। ये है गौसे पाक की सीरत, जिन्हें सरकार इस्लाम की सीरत और सूरत से भरपूर हिस्सा मिला। क्यों? इसकी एक वजह है और वो ये है कि आप अपने नाना जान की शरीयत के आमिल थे। अपने नाना जान की शरीयत पर आपने भरपूर अमल किया है। एक छोटे से छोटा मुस्तहब भी हो, छोटी से छोटी सुन्नत भी हो, उसे पाक ने उसे तर्क नहीं फरमाया, बल्कि शरीयत पर, हुजूर की सीरत पर ऐसे अमल किया कि फिर हुजूर का फैज उसे पाक को इस तरह से मुंतकिल हुआ। ये सब हमारे लिए एक पैगाम कि अगर हम भी हुजूर की सुन्नतों के पाबंद हो जाए, हुजूर की शरीयत के आमिल हो जाए, तो कुछ ना कुछ इनाम हम पर भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ फैज हम पर भी हो जाएगा। क्योंकि जब कौम अपने नबी के नस्लुलैन से भटकती है, जब कौम अपनी शरीयत से बहर अंदोज होती, अपनी शरीयत से बेरहरवा होती है, अपने नस्लुलैन को भुलाती है, तो फिर वो तारीकी के ग़ार में खेल दी जाती है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वज के बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तियार। अभी अभी हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने भी कही थी कि अगर हम भी हुजूर अली सलाम की शरीयत के पाबंद हो जाए तो आज भी बैतुल मक़दस आजाद हो सके। बैतुल मक़दस यकीनन आज भी मुसलमानों का आवाज दे रहा है, आज भी किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के, किसी महमूद गज़नवी के इंतजार में है, किसी ऐसे मर्द मुजाहिद के इंतजार में है कि जो आकर उसे आजाद करा। हम जैसे गुनाहगारों की बस की बात नहीं, जिन सहाबा ने हुजूर के साथ जंग की है ना, जिहाद किया है हुजूर के साथ मिलकर, या जिन सिपाहियों ने इस्लाम की खातिर जंगें लड़ी है, उनकी जिंदगियां पढ़कर देखो, वो हमारी तरह के गुनहगार नहीं थे। उनकी रातें इबादतों में गुजरती थी, तिलावत कुरान में गुजरती, और सुबह को उठ करके दुश्मन के साथ जिहाद किया करते थे। तब अल्लाह उन्हें फतेह अता फरमाता था। और आज हमारी रातें कैसी गुजरती है, आज हमारे शब रोज किस तरह से गुजरते हैं, यही वजह है कि हमने अब मुजाहिदीन पैदा नहीं किए। ये मुजाहिदीन कोई आसमान से नहीं उतरते। आज हम बारह कहते हैं अल्लाह गैरी मदद उतार। याद रखो बदर के मैदान में फरिश्ते उतरे थे लेकिन जंग नहीं की थी। तारीख पढ़ो, बद्र के मैदान में फरिश्ते उतरे थे लेकिन जंग नहीं लड़ी थी फरिश्तों ने, क्योंकि फरिश्तों का काम नहीं था, सिर्फ तलवारें लेकर के खड़े थे। क्यों? सिर्फ अक्सरियत दिखाने के लिए मुसलमानों की, कि वो कम नहीं है, वो सिर्फ 313 नहीं है, बल्कि उनकी तादाद बढ़ाने के लिए उन्हें भेजा गया। जंग तो सहाबा ने लड़ी थी। आज हम कहते हैं कि अल्लाह फरिश्तों को भेज दे ताकि वो जंग करे, तो फरिश्ते आके जंग करेंगे? अरे जब नबी की मौजूदगी में सहाबा के साथ फरिश्तों ने जंग न लड़ी तो अब आकर के वो जंग क्या करेंगे? तो इस उम्मीद में मत रहना कि अब भी फरिश्ते उतर के जंग लड़ेंगे। जंग हमी को लड़नी होगी, हमी को ये जंग लड़नी होगी, क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी एक तारीख रकम करना है, हर किसी को अपनी तारीख लिखना है। हर दौर में मुसलमानों ने खुद अपनी तारीख बनाई, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे नबी का उस्वा हसना हमारे लिए काफी। लिहाजा उसी को पढ़ो, अपने मुजाहिदीन की तारीख को पढ़ करके देखो और वो औसाफ अपने अंदर पैदा करो। सरकार गौसे पाक की नियाजे खाओ लेकिन उनकी तरह नमाजें भी पढ़ो। सरकार गौसे पाक की सिर्फ हम नाम के नारे ही ना लगाए बल्कि उनकी सीरत पर भी अमल करें। सरकार इस्लाम गौसे पाक सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती यौमल कियामत, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में मेरे मुरीदीन की फहरिस्त मुझे अता कर,
लिहाजा मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन है। तो गौसे पाक जरूर है बचाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब बस समझना कि हुजूर हमारी शफाअत करने वाले हैं। गौसे पाक बचाने वाले, तुम दिल खोल कर गुनाह कर ले, हरगिज़ नहीं, बल्कि हम गुनाहों को तर्क करें, गलती से कोई गुनाह हो जाए तो फिर उम्मीद रखे कि यकीनन हुजूर शफाअत करेगी, गौसे पाक दस्तगीरी फरमाएगी। लेकिन बुजुर्गों के इन कलिमात पर आंखें बंद करके गुनाह करना शुरू कर देना, ये परले दर्जे की हिमाकत है। लिहाजा आज की इस बज़्म का, इस महफिल का बस यही मकसद है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे आज़म सगीर रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि हमारे नबी और हमारे नबी भी आखिरी नबी है और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान वलियों में सबसे बुलंद, जो कि मरतबे कुतबियत पर, मरतबे गौसे उबरा पर जो तो फाइज है, और आप तमाम जिन और इंसानों के बल्कि फरिश्तों के भी हम उनके जो तो मानने वाले और हम उनके मुरीद हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो शख्स मेरा नाम लेने वाला है, अगर वो सिर्फ ये भी कहे कि मैं गौसे पाक के मुरीदों में हूँ तो वो मेरे मुरीदों में शामिल हो। लिहाजा ऐसे बुजुर्गों का दामन हमने थामा है तो उनकी सीरत पर भी हम अमल करें। दुआ है कि मौला तबारक तआला हमें अपने आका करीम सल्लम की सुन्नत मुबारका और गौसुल आज़म सगीर रज़ियल्लाहु तबारक की सीरत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई हो तो तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वा अतूबु इलैही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।